जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। इस श्लोक का अर्थ है, सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग एक, चैप्टर 18, चैप्टर का नाम है नौकर। इस चैप्टर को शुरू करने से पूर्व सर्वप्रथम हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए, महात्मा गांधी स्वतंत्र भारत के जनक थे। उनका व्यक्तित्व भारतीय क्षितिज में सूर्य के समान तेजस्वी और प्रतिभाशाली है। भारत की स्वाधीनता के सपनों को साकार करने में उनकी अहम भूमिका के कारण ही उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। लोग श्रद्धावश उन्हें बापू भी कहते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर में एक कुलीन वैश्य परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे एक धार्मिक महिला थी। घर के धार्मिक वातावरण का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। मैट्रिक पास करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड गए। विदेश जाते समय उन्होंने अपनी माँ के सामने यह प्रण लिया कि मैं विदेश में जाकर मांस और मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। बचपन से ही वे एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके मुंबई आकर वकालत करने लगे। एक बार अपने किसी मुवक्किल के मुकदमे के संबंध में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां उन्होंने भारतीय मूल के लोगों के साथ अंग्रेजों का दुर्व्यवहार देखा। इसके विरोध में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। वहां उन्हें कदम कदम पर अपमान का सामना करना पड़ा। भारत आने के बाद वे राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया जिससे भारतीय जनता को प्रेरणा मिली। उन्होंने देश की जनता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अंत में उन्हीं के प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। महात्मा गांधी भारत के ही नहीं पूरे दुनिया के महान पुरुषों में से एक थे। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे सदा सत्य बोलते थे। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो के सिद्धांत पर चलते रहे। 30 जनवरी 1948 को भारत में प्रार्थना सभा में जाते समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनके मरने से सारा देश शोक में डूब गया। वे हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगे। तो फिर अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को, ध्यान से आप सुनिएगा। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टर से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे।
कौपीन धारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताइए। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। एक घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे ही प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडार में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि वे जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीलों को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीलों को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों को सफाई सौंप कर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी से चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ा था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेटकर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों को नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं में उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील
तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब ये टॉलस्टॉय वर्दी में रहते थे, तब पास के शहरों में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे, तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मादे लौटोगे। तुम्हारे नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियों धोने, सब्जियों साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोजन में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गाँव का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को एक यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की ही तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चों को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चरपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चरपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे।
दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिससे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरे सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता के कमीज में बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहाय को रखने की आवश्यकता होती तो वह गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथियों कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता था, काटता था, दूसरा बकरियों को दूहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चरपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में उच्च घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस समय घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपने भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।